भाई देखिए मैं यहाँ का दृश्य देख रहा हूँ, हमने केवल सुना है, जीवन में पहली बार ऐसा देखा है। लोगों की सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा जिस सरकार के जिम्मे हो, अरे बोल मत भाई, लोगों की संपत्ति जला रही है, लोगों के घरों में आगजनी कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है। ऐसा फिरंगी राज में होता था, लोकतंत्र में नहीं होता। राजस्थान सरकार की पुलिस ने समरावता गांव में अंग्रेजों की पुलिस का सा बर्ताव किया, अंग्रेजों की पुलिस का सा, घरों के अंदर बैठी हुई माँ बहनों को मारा है, हड्डियां तोड़ दी, गलियों में घूमते हुए लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, लोगों के घरों के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल कार जीपों को चलाया है। ये तो समझ में आता है, दो पक्ष लड़ गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, कोई दंगा झगड़ा हो गया पहुंचा दिया, पुलिस चलाकर लोगों की संपत्ति को जला रही है। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं इस कृत्य की घोर निंदा और आलोचना करता हूं। मुख्यमंत्री जी से और किरोड़ी लाल जी यहाँ आए थे, गृह मंत्री जी आए थे, मांग करता हूं, लोगों की जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, घर तोड़ना, मकान जलाना, गाड़ी जलाना, फसल जलाना, अविलंब उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी जिनसे जबरदस्ती वोट डलाया, मैं सरकारी अधिकारी हूं, तुम सरकार के नौकर हो, वोट डालिए। आदर्श आचार संहिता में किसी भी अधिकारी को सरकार का पक्ष रखने का निष्पक्ष मतदान के अलावा कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ के SDM ने अपने अधिकारों का वायलेशन किया है, आदर्श आचार संहिता इलेक्शन की उसका वायलेशन किया है, अविलंब उसके खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक मां रोकर कहती है, मेरे बेटे को घर से पकड़ के ले गए, मैं हाथ पकड़ के कह रही हूँ मेरे घर में हूँ, कहाँ जाएंगे जी, घर में से घसीट घसीट कर जिन लोगों को ले गए, वे गुनाहों के साथ न्याय होना चाहिए। सर, मैंने आज गांव में लोगों से कहा है, मुझे समय दीजिए। मैंने गांव के लोगों को स्पष्ट कहा है, मुझे पार्टी में बात कर लेने दीजिए जी सर, सरकार के प्रतिनिधि जो यहाँ आकर बात करके गए, मुझे उनसे बात कर लेने दीजिए जी सर, आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं बैठे सर। आप विश्वास रखिए, सरकार के यहाँ आए प्रतिनिधि मंडल जो सरकार का चेहरा बन के आए, किरोड़ी जी और जवाहर जी जी सर, क्या उन्होंने बात की है, क्या वो भरोसा गांव को दे रहे हैं, मुझे बात कर लेने दीजिए। मेरी पार्टी के स्टैंड के बारे में भी मुझे बात कर लेने दीजिए, उसके बाद जरूरत पड़ी तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैंने कहा है मैं आऊंगा, पंच पटेलों को बुलाना एक बार, और फिर हम यहाँ पर कोई बड़ी महापंचायत कॉल करेंगे।